आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, dy by dx ज्ञात कीजिए जब y is equal to exponential 5x हो। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने से पहले अगर चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज फुल डोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में दिया गया है y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 5x, इसको समीकरण एक बना लेते हैं। तो क्या करेंगे कि समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा भाई, dy by dx is equal to d by dx exponential 5x। सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि फंक्शन का सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 5x इनटू, अब फंक्शन का हो गया तो अब क्या करेंगे इसकी वैल्यू कितनी है 5x है ना, तो अब इसकी वैल्यू का करेंगे। तो 5 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं और x वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 5 इनटू में है इधर 5 आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 5x इनटू d बाय dx, x का करेंगे तो क्या मान आएगा 1 आ जाएगा। तो अगर 1 का 5 एक्सपोनेंशियल 5x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 5 एक्सपोनेंशियल 5x। तो dy by dx का मान क्या आ जाएगा 5 into exponential 5x, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेज फुल डोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।